नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के ग्राम बिरहा के निवासी भैयालाल तिवारी ने राजधानी भोपाल में रहकर अपना निजी ऑटो चलाते हैं, जिन्होंने अपनी ईमानदारी की मिसाल कायम करते हुए चांदी के बने आभूषण को परिजनों को लौटाकर अपने रीवा का नाम रोशन किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि भैयालाल तिवारी भोपाल में रहकर अपना निजी ऑटो चलाते हैं और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वहीं भैयालाल तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते रविवार को वह रोज की तरह सवारी बैठाए थे, पर किसी महिला का झोला उनकी ऑटो में छूट गया। घर आकर देखा तो एक छोटा सा झोला जो चांदी के बने आभूषण से भरा था उन्हें मिला। भैयालाल तिवारी ने बिना समय गवाए उस महिला की तलाश करते करते उसके बस्ती में जा पहुंचे, जहां पर महिला के घर के पास काफी भीड़ जमा थी और महिला का रो रो कर बुरा हाल था। जब महिला को थाना में बुलाकर थाना प्रभारी के सामने उस चांदी के बने सभी आभूषण को सौंप दिया गया तो महिला खुश हो गई और इस तरह से रीवा के रहने वाले भैयालाल ने एक ईमानदारी की मिसाल कायम की है। इधर सामान हमारे ऑटो में छूट गया था, हमने पूरा दिन शाम को मैं ये कह रहा था उसके यार सुनते नहीं हो, मैं तुम यार कानपुर से आए।